इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बारे में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, HDFC बैंक ने इसमें काफी बड़ी होल्डिंग उठाई है और अपनी होल्डिंग इंक्रीज भी की है। इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज भी किया है, 36.38 से बढ़ाकर के उसने 39.99 कर लिए है। दोस्तों कंपनी में बिग ब्रेकआउट दिया है कंपनी ने। सो यहां पर जो कंपनी का जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है, उसका जो प्राइस है वो 70 से 75 रुपए तक इसका टारगेट निकल कर आ रहा है। क्या लेवल्स रहने वाले हैं, कहां पर बाइंग करना है, क्या इसके टारगेट रहने वाले हैं, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों यहां पे। और इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो भी आने वाला है, उसकी क्या डेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहां पर अगर हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की, तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें यहां पर दिखाई नजर आ रही है। इससे पहले कि हम यहां पर वीडियो स्टार्ट करें, आपको बता दूं अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। दोस्तों जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बता दूं जो लोग 3 मंथ या फिर 6 मंथ या फिर 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट से ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, अब जैसे आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्वार्टर रिजल्ट से, क्योंकि मान लीजिए आपकी होल्डिंग टाइटन कंपनी में है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि राकेश झुंझुनवाला की होल्डिंग जो है टाइटन कंपनी में है, उन्होंने कई साल से उसको होल्ड किया है और अभी भी होल्ड की है, तो वो आप ये जरूरी नहीं है कि जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो वो वहां पर देखने लग जाते हैं कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि उनको पता है कंपनी अच्छी है उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा ही रहेगा। या फिर अगर एक क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट नहीं आया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने उसको होल्ड करना ही है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बेचते हैं खरीदते हैं उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसे बनाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। यहां पर हम सबसे पहले देख रहे थे कंपनी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। दोस्तों वैसे कि आपको बताइए बैंकों का काम क्या होता है, लोन वगैरह लेना, तो फिर भी एक बार हम देख लेते हैं पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, होम लोन, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, FD वगैरह भी ये कंपनी आप करते हो। ये मतलब ये कंपनी क्या बैंक के सारी करती है, रिकरिंग डिपॉजिट, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, टू व्हीलर लोन्स, ठीक है, टू व्हीलर लोन हो गया, प्री ऑन टू व्हीलर लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, वर्किंग कैपिटल लोन हो गया, ये सारे जो है कंपनी स्पेशलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि जनरली सारी बैंक जो है कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये आपको इसकी तरफ से तो बिल्कुल नो डाउट कि आपको पता नहीं है कि कंपनी क्या करती है, बैंक है, बैंकों का काम क्या होता है वो आपको पता ही होगा। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर कंपनी की सेल्स की अगर बात करें तो कंपनी की सेल्स ने लास्ट 5 ईयर में 15% से रेट से ग्रोथ किया है और 3 ईयर में 12% की रेट से ग्रोथ करके दिखाया कंपनी ने। और वहीं अगर रिटर्न्स की बात करते हैं तो कंपनी ने लास्ट 3 ईयर में 34% के CAGR से रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जबकि 1 ईयर में 41% के CAGR से रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि 3 और 1 ईयर के CAGR को देखते हैं तो काफी अच्छा है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी FII और DIY की होल्डिंग इस कंपनी में काफी अच्छी है, 11% की होल्डिंग थी दोनों में, वो अलग बात है कि इन्होंने यहाँ पर से बढ़ाकर के 15% भी की थी। और उसके बाद देखो FII और DIY जो है अपनी होल्डिंग घटाते बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि ये क्या है बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इनको पैसा बनाना होता है, तो ये इनके पास बड़ी अच्छी खासी टीम होती है, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इनको पता होता है कि कैसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो उसकी वजह से ये बढ़ा भी लेते हैं घटा भी लेते हैं। फिर भी अगर हम बात करें यहाँ पे तो FII वालों ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग घटाई है थोड़ी सी, आप देख सकते हो 19.76 से घटा करके 19.31 कर रखी है, ऐसे DIY वालों ने भी 9.61 से 7.69 की है। लेकिन आपको इससे परेशान नहीं होना, क्योंकि ये होल्डिंग जो घटी है ये सीधी बढ़ करके इंक्रीज हुई है प्रोमोटर्स की होल्डिंग में, 36.38 की होल्डिंग थी जो कि अभी 39.99% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और ये प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है दोस्तों वो सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है, HDFC फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, HDFC बैंक की ही सारी होल्डिंग है यहाँ पे, आप देख सकते हो 39.99% प्रोमोटर्स में कौन है, HDFC। तो आपको इस बात से बिल्कुल भी बेफिक्र रहना है कि कंपनी डूब जाएगी, लॉस कर रही है, चल नहीं रही है, कोई बात नहीं, लंबे समय के लिए आप इसको होल्ड करोगे तो शेयर जरूर प्रॉफिट मार्केट देगा। बैंकिंग सेक्टर थोड़ा स्लोली चलता है लेकिन चलेगा जरूर, ये IDFC बैंक जो लॉन्ग टर्म का घोड़ा, लॉन्ग रेस का घोड़ा है, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है, अगर आप इसको सोच रहे हो कि अच्छा रिटर्न मार्केट दो, तो लंबे समय में ये शेयर द्वारा अच्छा रिटर्न मार्केट देगा, शॉर्ट टर्म में आप इसमें फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और लॉस बुक करके निकल जाओगे, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कंपनी ने 1 ईयर में 43% का रिटर्न बनाकर दिया है, तो यहाँ पर आप देखोगे एक साल में 43% का रिटर्न
वो भी इतना स्लोली चलाया तब, ठीक है। तो ये बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा स्लोली चलता है, आपको परेशान नहीं होना है। और यहाँ पर मैं अगर इसका 6 मंथ का चार्ट ओपन करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक चीज नजर आएगी, ये आप देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर इसका एक पैटर्न बन रहा है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न, ठीक है। इसको मैं भी आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा, टेक्निकल चार्ट पर भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया है सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न का, जिससे कि यहाँ पर एक अपसाइड की तरफ बहुत अच्छा खासा मूवमेंट नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। दोस्तों यहाँ मैंने IDFC फर्स्ट बैंक का चार्ट ओपन कर रखा है वन डे के टाइम पे में। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पर कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है बहुत कुछ बोल रहा है, और वो क्या बोल रहा है बहुत ही सिंपल, देखो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक तो सपोर्टिंग लेवल है, एक ये सपोर्टिंग लेवल है और दूसरा ये सपोर्टिंग लेवल है। तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर इसका सपोर्टिंग एरिया है, और उसके ऊपर जो ट्रेंड लाइन दोस्तों आपको नजर आ रही है, ये वाले जो ट्रेंड लाइन है, ये यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रही है। दोनों ट्रेंड लाइन जो है मिलकर के सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रही है, और उससे बड़ी बात इसने यहाँ पर इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट भी किया है। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको नजर आएगा। देखो ये वाला जो पैटर्न है, इसमें इसने कंसोलिडेट किया है, ठीक है, एक रेंज में फंसा था सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में, इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। इसने यहां पर ब्रेकआउट भी किया है, यहां पर आप देख सकते हो, और ब्रेकआउट जो किया है दोस्तों बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ किया है। क्या यहां पर आप देख सकते हो, बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ किया है, और यहां पर ये जो क्लोजिंग हो रही है, ये जो है ये एक बुलिश कैंडल होती है, तो मंडे को इसमें काफी अच्छी खासी तेज नजर आ सकती है। ये कौन सी कैंडल है दोस्तों, ये है डोजी कैंडल। कौन सी है कैंडल, ये डोजी कैंडल है। अगर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, तो यहां से मंडे को एक अच्छा मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ये तो आज शॉर्ट टर्म की बात, अगर आप इसको होल्ड करना चाहें, अभी बाय करना चाहें, तो आप यहां पर भी बाय कर सकते हैं, और थोड़े से अगले टाइम पीरियड मतलब अगले क्वार्टर तक आप इसको होल्ड करें, तो ये जो है 70 से 75 तक का मोमेंट दिखा सकता है। लेकिन कब दिखाएगा, कब दिखाओगा, जब ये यहां पर ये वाले लेवल को क्रॉस करेगा 63 के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है, क्योंकि यहां से तो इसमें ग्रेविटी हुई थी, आप देख सकते हो यहां से तो ग्रेविटी हुई थी। वहां पर कौन है, यहां पर बड़े सेलर बैठे हुए हैं, अभी भी इन्होंने माल बेचा तभी तो ग्रेविटी हुई है। तो यहां पर क्या है, बड़े सेलर बैठे हुए, अगर इस जगह पर सस्टेन करता है, इस जगह पर 63 का लेवल है, 63 के लेवल पर अगर सस्टेन करता है थोड़े दिन, तो वहां से इसमें 75 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो, दोस्तों यहां पर मैंने कंपनी का जो है ग्रोथ का चार्ट दिखा रखा है, मैंने खोल रखा है। यहां पर क्वार्टरली अगर हम देखें, तो क्वार्टरली कंपनी काफी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है। दिसंबर 2021 में 5,199 करोड़ की सेल थी, तो कि दिसंबर 2022 में बढ़कर के 7,664 करोड़ की, सॉरी 7,064 करोड़ की सेल देखने को मिली है। तो क्वार्टरली जब अच्छा आता है, तो कंपनी में शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाता है। इससे पहले जब दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया था, दिसंबर फाइनेंशियल ईयर 2022 का जब रिजल्ट आया था, तो तब भी कंपनी में 6 से 7% का मूवमेंट शॉर्ट टर्म में देखने को मिला था। आप देख सकते हो यहाँ पे क्वार्टरली रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही ग्रोथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी में जब रिजल्ट अच्छा आता है, तो अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाता है। 83% जो है यहाँ पर जो है रिसर्चर है, जो भी है वो बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर बाय करके चल सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। और शॉर्ट टर्म में ही ये इसका जो टारगेट है वो 70 से 75 तक मिल सकता है आपको, अगर वो 63 के लेवल को सस्टेन करता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आप किसी स्टॉक पर रिव्यू चाहते हो तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड सब्सक्राइब नाउ।